सवे भवंतु सुखिनः। खोट मन में भरी और मुख में हरी। भाग दो, जो गुरु उपदेश के अनुरूप हो ग्रहण करें। मन में खोट, यह शब्द बहुत छोटा है लेकिन है बहुत गंभीर। यदि मन में ही खोट हो, मन में ही मैल हो, मन में पाप हो, मन विकारी हो, मन विषयी हो, मन पापी हो, तो आध्यात्मिक लक्ष्य असंभव है। जैसे बच्चा अपना अंगूठा चूसता है, उसमें दूध नहीं होता, तो उसी तरह से जब तक मन शुद्ध नहीं होता, तब तक जो भी दिखाई देता है, जो भी सुनाई देता है, बच्चे के अंगूठे चूसने जैसा ही है। जब तक मन की मलिनता रहती है, तब तक जन्म मरण का चक्र जारी रहता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो भव चक्र, भव बंधन टूट जाते हैं। इसीलिए कहा है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जब यह मिटते हैं तभी मन निर्मल होता है, और ऐसे निर्मल मन वालों का ही कल्याण होता है। इसीलिए कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि उस परमानंद, उस अदृश्य शक्ति की अनुभूति साक्षात्कार का आधार केवल मन की निर्मलता है, मन की निश्चलता है, मन की निष्कपट अवस्था है। अधिकतर सभी धर्मों में सत्कर्म का उपदेश दिया जाता है, ध्यान करने का उपदेश दिया जाता है। तो धर्म की नींव, धर्म की आधारशिला तो सत्कर्म ही है। जब तक यह नींव मजबूत नहीं होती, तब तक शब्द धुन हो या प्रकाश, दोनों ही महत्वपूर्ण साधन होने के बावजूद महत्वहीन ही रह जाते हैं। गुरु ज्ञान प्रदाता का सबसे अनमोल रत्न है उसकी वाणी, जो वाणी के अनुसार, उपदेश के अनुसार सत्कर्म करता है और अपने प्रत्येक कर्म का ध्यान रखता है, अपने मन को शांत करने का अभ्यास करता है, चाहे वह किसी भी विधि से किया जाए, नाम जप अथवा श्वास प्रश्वास अथवा चक्र अथवा किसी भी तरह का स्पंदन। इन पर ध्यान करने के पीछे सबसे बड़ा रहस्य है इस मन को शांत करने का, क्योंकि अशांत मन ही बंधन का कारण है और शांत मन ही मुक्ति का हेतु है। लगातार 3